हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जेनिक। सो आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम कंट्रोल सिस्टम का क्रेश कोर्स। आने वाले 7 दिनों में आपका क्रेश कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, कंट्रोल सिस्टम फिनिश हो जाएगा, राइट? सो माय डियर फ्रेंड्स, कंट्रोल सिस्टम की यदि बात करूं तो अच्छे खासे रूप में यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। सब्जेक्ट बहुत ही प्यारा है, तो प्यारे प्यारे लोगों ने उसको सब्जेक्ट को यूट्यूब पे डाला हुआ है। बहुत बेनिफिट करता है गेट एग्जामिनेशन में, क्योंकि सब्जेक्ट इजी भी बहुत है, राइट? 10 to 12 मार्क्स का आता है, चाहे वो इंस्ट्रूमेंटेशन हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या इलेक्ट्रिकल हो, 10 to 12 मार्क्स का आता है। ओके, कंट्रोल सिस्टम की यदि मैं बात करूँ, सो जो इसका वेटेज है ये 10 to 12 मार्क्स का है, और इस 10 to 12 मार्क्स में से आपका 9 to 11 मार्क्स लाना एग्जाम में बहुत ही आसान है। इसके लिए इसको मैं स्कोरिंग सब्जेक्ट की कैटेगरी में भी रखता हूँ, ठीक है? सो इंटायर कंट्रोल सिस्टम में बच्चा लोगों, इंस्ट्रूमेंटेशन चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल, आप सभी लोगों के लिए बराबर इंपॉर्टेंट है। सो हम ये देखते हैं पहले कि पूरे कंट्रोल सिस्टम में कैसे हम डील करने वाले हैं, राइट? सो क्रेश कोर्स में बच्चा लोग आपको सारी यूनिट्स कंप्लीट होने वाली है। ऐसा नहीं है कि क्रेश कोर्स में कुछ आपका यूनिट्स छूट जाने वाला है, नहीं। आप रोड मैप लिख ले, सबसे पहले कंट्रोल सिस्टम में मैं डील करने वाला हूँ बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। सेकंड रहेगा आपका ब्लॉक डायग्राम एंड SFG। थर्ड में मैं डील करने वाला हूँ आपका टाइम रिस्पॉन्स। फोर्थ यूनिट विल बी मॉडलिंग ऑफ कंट्रोल सिस्टम, ठीक है? आजकल के सिलेबस में पिछले 2 साल से एडिट है ये वाला, अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है गेट में, ठीक है? करंट ईयर्स में हो सकता है आ जाए, इसलिए ये आपका फोर्थ यूनिट रहने वाला है। फिफ्थ यूनिट रहेगा आपका राउट हर्विट्स। आपका सिक्स यूनिट में डील करने वाला हूँ रूट लोकस। आपका सेवन यूनिट में पहले आपका करवाता हूँ बॉडे प्लॉट के बाद 8th यूनिट रहेगा आपका पोलर प्लॉट। जिस किसी को भी मेरी स्पीड कम लग रही है वो यूट्यूब में जाके स्पीड को बढ़ा ले, स्पीड अप कर ले 1.5, 1.25। ओके, सो 9th यूनिट आपका रहने वाला है नाइक्विस्ट प्लॉट, सुपर यूनिट। एंड 10th आपका रहेगा स्टेट स्पेस। 11th मैं डील करने वाला हूँ आपका कंपनसेटर एंड कंट्रोलर से, ठीक है बच्चा लोग? सो ये रोड मैप रहने वाला है कंट्रोल सिस्टम का। इस टाइप से हम यूनिट्स को देखने वाले हैं, इसको नोट कर ले। सो आज स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। जैसा कि मैंने आपको बताया 10 से 12 मार्क्स का है, तो सारी यूनिट में से क्वेश्चन आ ही जाते हैं आपके पास, ठीक है? बहुत ही फास्ट वे में आपको एग्जीक्यूट करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है और उसके बाद अप्लाई करना है न्यूमेरिकल्स पे, प्रॉब्लम्स पे, ठीक है? सो बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम आपका पहला यूनिट रहने वाला है, बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम, ठीक है? कंट्रोल सिस्टम के बेसिक्स में सबसे पहले यदि मैं बात करूं, इन द इंटायर कंट्रोल सिस्टम आपको सिर्फ और सिर्फ मिलने वाला है, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन पूछने वाले हैं व्हाट इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम। आपके पास सिस्टम रहने वाला है, सिस्टम में आप कुछ इनपुट देंगे, उससे कुछ आउटपुट लेंगे, ये सिस्टम का काम है। लेकिन सिस्टम को डिफाइन करते हैं उसका ट्रांसफर फंक्शन से। सो ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, मैं इसमें एकदम डीप में नहीं जाने वाला हूं, बिकॉज दिस इज द क्रेश कोर्स, विल डील विद द ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन होता क्या है बच्चा? यदि आपके पास एक सिस्टम है, दिस इज द सिस्टम, सिस्टम का काम है यू आर गिविंग सम इनपुट टू इट एंड इट्स गिविंग सम आउटपुट आपको ये दे रहा है। सो आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट और इनपुट में एक रिलेशन रहेगा, वो रिलेशन विथ रिस्पेक्ट टू सिस्टम आप डिफाइन करोगे, बिकॉज इनपुट को कौन मिला, सिस्टम, सिस्टम ने क्या दिया, आउटपुट। सो इन आउटपुट और इनपुट के रिस्पेक्ट में आपका ट्रांसफर फंक्शन डिफाइन होता है इस सिस्टम के लिए ट्रांसफर फंक्शन जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक बताता है। सो ट्रांसफर फंक्शन का फॉर्मूला आपने देखा ही होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइड बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट, दिस इज नथिंग बट द ट्रांसफर फंक्शन प्रोवाइडेड इनिशियल कंडीशंस आर जीरो, प्रोवाइडेड ऑल इनिशियल कंडीशंस आर जीरो। सो एल डोमेन में आपको लेना है, लाप्लास डोमेन में लेना है, मतलब एस डोमेन में जाना है, टाइम डोमेन सिग्नल को एस डोमेन में लेके आना है, उसके बाद आपको एनालिसिस करनी है आउटपुट और इनपुट की। आउटपुट का लाप्लास डिवाइड बाय इनपुट का लाप्लास इज नथिंग बट द ट्रांसफर फंक्शन प्रोवाइडेड ऑल इनिशियल कंडीशंस आर जीरो। गेट में 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है, ट्रांसफर फंक्शन इज
चार ऑप्शन थे, आउटपुट अपॉन इनपुट, लाप्लास ट्रांसफॉर्म आउटपुट अपॉन लाप्लास ट्रांसफॉर्म इनपुट, थर्ड ऑप्शन था लाप्लास ऑफ आउटपुट लाप्लास ऑफ इनपुट प्रोवाइडेड ऑल इनिशियल कंडीशंस आर जीरो एंड लाइक दिस। सो आपका ये वाला आंसर होने वाला है। बात समझ में आई आपको? सो बच्चा लोग, ट्रांसफर फंक्शन, जैसे एक सिस्टम की मैं बात करूं तो सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन तो आपने डिफाइन कर दिया, लेकिन यदि आप सिस्टम को, कंट्रोल सिस्टम को पढ़े हैं तो आपने क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम सुना होगा और ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम सुना होगा, राइट? आप जिस रूम में बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं, जस्ट ऊपर देखें एक फैन लगा होगा, वो फैन ओपन लूप की कैटेगरी में है, ओपन लूप सिस्टम की कैटेगरी में। व्हाट डू यू मीन बाय ओपन लूप सिस्टम? सी बच्चा लोग, आपके पास क्या है, आपके पास एक कंट्रोलर है, राइट? आपके पास एक कंट्रोलर है, दूसरा प्रोसेसर है, प्रोसेसर है जो प्रोसेस करता है, ठीक है, जो भी आपके सिग्नल को प्रोसेस करता है। आपने इस एंटायर सिस्टम को कुछ इनपुट दिया और इससे आपने आउटपुट ले लिया। जो एग्जांपल मैंने दिया था, आप जिस रूम में बैठे उसमें एक फ़ैन लगा हुआ है, तो उसका जो रेगुलेटर है वो उसका कंट्रोलर है, ठीक है, वो उसका कंट्रोलर है, और जो मोटर है जो उस फैन को घुमा रही है, दैट इज समथिंग बट योर प्रोसेसर। सो इस मोटर को कौन सी स्पीड से घूमना है ये डिसाइड करने वाला है रेगुलेटर। आपने एक बार इनपुट दे दिया, आपने एक बार इनपुट दे दिया, कंटिन्यूसली प्रोसेसर जो है आपका फैन है वो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सर्कुलेट करके मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि फैन को हवा को रोटेट करके आपको हवा का एग्जीक्यूशन देने वाला है। तो यहाँ पे चीज़ें क्या निकल के आती हैं कि ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसको आप इनपुट दिए वो आपको आउटपुट देगा। अब आउटपुट को इनपुट से कोई लेना देना नहीं है, मतलब इनपुट स्टेज में आपका आउटपुट नहीं जाने वाला है, ये एक ओपन सिस्टम है। इनपुट दिया, इसने आउटपुट दिया, अब आउटपुट को आप फीडबैक नहीं कर रहे हो इनपुट में, ठीक है। सो दिस इज टाइप ऑफ ओपन लूप सिस्टम, ये जो आपको मैंने बताया, दिस इज ओपन लूप सिस्टम, दिस इज नथिंग बट ओपन लूप सिस्टम। बात समझ में आ रही? अब इसी सिस्टम में क्या होता है, ओपन लूप सिस्टम में क्या होता है, यदि आप आउटपुट को मेजर कर रहे हैं, आप आउटपुट को मेजर कर रहे हैं और मेज़र करने के बाद जो आपका इनपुट आया, बोले तो सेंसर को जो इनपुट इसने जो मेज़र किया, ये आउटपुट फीड कर दिया आपने इनपुट पे, इस स्टेज पे आपने इसको फीड कर दिया। यहाँ पे आप एडर लिख सकते हो या कंपेरेटर लिख सकते हो, ठीक है। अब वो जो सिस्टम बन गया आपका, वो एक इंटेलिजेंट सिस्टम बन गया। इंटेलिजेंट सिस्टम मतलब कैसे? सपोज एक एसी आप दिमाग में रखिए। एसी का क्या फंडा है, ऑटोमेटिक एसी का क्या फंडा, जो रूम में टेम्परेचर है वो उस रूम को, रूम के टेम्परेचर को अपने हिसाब से सेट कर, अपने टेम्परेचर को रूम के टेम्परेचर के हिसाब से सेट कर लेता है, यू नो, ऑटोमेटिक एसी कंट्रोल। जैसे कि रूम का टेम्परेचर यदि घटता है तो वो अपना टेम्परेचर बढ़ा लेगा, और यदि रूम का टेम्परेचर बढ़ता है तो वो अपना टेम्परेचर घटा लेगा। कहने का मतलब, यदि आपने सेट कर दिया एक ऑटोमेटिक एसी में, यदि आपने सेट कर दिया कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड रूम का टेम्परेचर होना चाहिए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपका ऑटोमेटिक एसी क्या करने वाला है, इस रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री मेंटेन रखेगा, इसके एटमोसफेयर आउट में इसका टेम्परेचर बढ़ जाए या घट जाए उसको मैनेज करने वाला है कौन, आपका ऑटोमेटिक एसी, उसको मैनेज करने वाला है कौन, आपका ऑटोमेटिक एसी। बात समझ में आई? जिस रूम में आप बैठे हैं उसके आउटर एटमोसफेयर का टेम्परेचर यदि 40 डिग्री हो जाए तो इस रूम का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, एसी अपन टेम्परेचर को ड्रॉप कर देगा, ठीक है, रूम के टेम्परेचर को बढ़ता हुआ देख के एसी अपने टेम्परेचर को ड्रॉप कर देगा, क्योंकि उसको 25 डिग्री फिक्स रखना है। इसका मतलब क्या कि इस सिस्टम ने आउटपुट को बार बार मेज़र किया, आउटपुट को एक फिक्स क्वांटिटी में रखना चाह रहा है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यदि इससे थोड़ा सा भी आउटपुट बढ़ा तो ये फीड सेंसर को मिलेगा, सेंसर इसको मेज़र करके इनपुट में दे देगा, इनपुट में देने के बाद सिग्नल जो जाएगा कंट्रोलर को आपको ये मिलने वाला है कि आप इसको डिक्रीज़ करो, प्रोसेसर को टेम्परेचर को डिक्रीज़ करो, क्योंकि मुझे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेंटेन रखना। तो ये सिस्टम एक इंटेलिजेंट सिस्टम बन गया जो कि खुद को कंट्रोल करने वाला है। ये कंट्रोल क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का एक एग्जाम्पल है, राइट? सो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, ये इससे कोई लेना देना नहीं अपने को इसके फिजिकल टर्म से, बिकॉज दिस इज द क्रेस्कोस, वी आर कमिंग
ऑन द फॉर्मूलाज। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम आपके पास है तो उसको डिनोट कैसे करते हैं कंट्रोल सिस्टम में वो आप देखें। आपका जो प्रोसेस है, आपका जो सिस्टम है, उसको जी ऑफ एस से अपना शो किया। ये क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम को शो कर रहा हूँ मैं आपके सामने, ठीक है। यहाँ से आप लेने वाले हो आउटपुट, इसको देने वाले हो आप इनपुट, ठीक है। एक फीडबैक एलिमेंट है, इसको लिखा मैं एच ऑफ एस। फीडबैक एलिमेंट जो है वो फीडअप रहेगा सिस्टम में, ये माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है। सो दिस इज ये क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का आपके सामने एक ब्लॉक डायग्राम बना हुआ है, और यदि आपका सिर्फ सिस्टम होता, ओपन सिस्टम, नो फीडबैक, सो उसका बना हुआ है कि आपने इसको दिया इनपुट, इसने आपको दिया आउटपुट, दैट्स इट। ओके, तो जैसे कि मैंने बताया था, आप पूरे सिस्टम की के बारे में यदि बात कर रहे हो तो आप देख रहे हो कि उसका ट्रांसफर फंक्शन क्या है, ठीक है। सो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन जो होता है, आपने देखा होगा बच्चों, ट्रांसफर फंक्शन जो है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का, वो होता है जी ऑफ एस वन प्लस एच ऑफ एस जी ऑफ एस, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, यू नो वेरी वेल, ठीक है। डायरेक्टली आप ये इसको हटा के डायरेक्टली लिखना चाहते हो तो दिस इज जी वन प्लस जी एच, ठीक है। सो ध्यान रहे, जो भी सिस्टम रहेगा वो इस डोमेन में होना मस्ट है, बिकॉज ट्रांसफर फंक्शन की डेफिनेशन में आपने देखा, ट्रांसफर फंक्शन लिखना सही बात, लाप्लास ऑफ आउटपुट अपॉन लाप्लास ऑफ इनपुट। सो आई थिंक दिस इज ओके टू यू। नाउ ये एक सिस्टम है, फॉरवर्ड पाथ गेन है, इनपुट का मल्टीप्लाई होगा इससे आपको आउटपुट मिल जाने वाला है, इजंट इट। सो यहाँ पे जो सीन रहने वाला है, कास्केड है दोनों, सो जी ओ पी एस मल्टीप्लाई विथ इनपुट, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट आउटपुट अपॉन इनपुट इज नथिंग बट जी ओ पी एस इस केस में। सो जो भी है ट्रांसफर फंक्शन वो यही है, यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन जो है ओपन सिस्टम में वो यही है, ठीक है ना। एक और टर्म आती है, ये तो हो गया क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, या क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। एक और टर्म आता है जो होता है OLTF, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। सो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जो डिफाइन किया गया है, ये इसके लिए डिफाइन नहीं है, ओपन सिस्टम के लिए डिफाइन नहीं है। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन भी डिफाइंड होता है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के लिए। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में बोल रहा हूँ, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की बात नहीं बोल रहा। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का सिर्फ आप, जैसे आप इसको ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, इस लूप को आपको ओपन करना है, ये लूप सपोज क्लोज नहीं है, ये जो लूप है ये ओपन है, इस केस में इसका जो ट्रांसफर फंक्शन दिया जाता है वो दिया जाता है जी ऑफ एस मल्टीप्लाई विथ एच ऑफ एस, ठीक है। सो इसका जो ओपन लूप होता है वो होता है जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, ओके बच्चा लो। सो यहाँ से दो चीज आपके सामने आई, नंबर एक क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, जी एस अपॉन वन प्लस एच एस जी एस। सेकेंड, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, जी एस एच एस, ठीक है। और दिस इज नथिंग बट सिर्फ ओपन सिस्टम है, फॉरवर्ड पाथ गेन हो तो वही सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन होता है। सो ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है ये क्लियर है, अपने को ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, ट्रांसफर फंक्शन का फॉर्मूला आपको क्लियर है, ओके। सो इसके बाद आपको ये चीज़ क्लियर हो गई, एक एग्जांपल मैं आपको देने वाला हूँ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का, तो कुछ चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी चीज़ों को समझने के लिए, ठीक है। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम को क्यों मैंने बोला कि ये इंटेलिजेंट सिस्टम होता है, देखिएगा, इसका परफेक्ट एग्जांपल है आप, ठीक है, अपना सिस्टम। बच्चा लोग, सपोज आप किसी दिन आपका एग्ज़ाम चल रहा है, आपको जाना है आपके होम से आपके कॉलेज जाना है, ठीक है, आपके होम से आपको कॉलेज जाना है, ठीक है। आप बाइक के थ्रू ये रास्ता तय करने वाले हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आप जो बाइक लेके निकले हैं घर से, तो आपकी मोम ने आपको बोला कि बेटा आपको 60 km/h से ज़्यादा बाइक को रन नहीं करना है, 60 km/h से रन नहीं, मतलब आप में एक इनपुट फेडअप है कि भैया 60 km/h से ज़्यादा आपको नहीं जाना है, ठीक है। आप घर से निकले, आपने यहाँ पे देखा, इस पॉइंट पे देखा कि आपकी जो स्पीड है वो है 40 km/h, आप क्या करने वाले हो, आप एक्सेलरेट करने वाले हो, क्योंकि 60 km/h तक ओके, तो आप भी चाहते हो कि भाई जल्दी से जल्दी आप कॉलेज चले जाओ, तो आप स्पीड को बढ़ाओगे, ठीक है, एक्सेलरेट करोगे,
क्योंकि 60 KMPH इज ओके। तो आप एक्चुअली आप स्पीडोमीटर से स्पीड को देखोगे और उसके बाद इसकी स्पीड रेस करोगे, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। सपोज 70 KMPH होगी कुछ टाइम बाद आपकी स्पीड, अगेन स्पीडोमीटर ने आपको सिग्नल दिया कि 70 KMPH होगी, आप डी एक्सलेट कर दोगे, फाइनली आपको जो मेंटेन रखना है वो स्पीड है 60 KMPH, बिकॉज यू आर आज्ञाकारी। ओके, सो जो आपकी माता ने कहा है वो आप फुलफिल करने वाले हैं। चलिए, तो इसमें मैंने क्या देखा कि आपने एक स्पीड मेंटेन करी, दैट इज 60 KMPH। सो इस पूरे सिस्टम को यदि देखा जाए, सो आप बाइक से इनपुट ले रहे हैं, देखिए स्पीडोमीटर स्पीड शो कर रहा है, उस स्पीड को आपकी जो सेंसर है, सेंसर बोले तो आंखें है, वो बार बार रीड कर रहा है, आंखें आपकी बाइक की स्पीड को रीड कर रही है, कहाँ से, स्पीडोमीटर से। रीड करने के बाद हु इज टेकिंग द एक्शन, आपका दिमाग, यू नो कंट्रोलर, दिमाग एक्शन ले रहा है कि भैया यदि 40 KMPH है तो मैं 60 KMPH तक जा सकता हूँ। अब जो कंट्रोलर है वो सिग्नल क्रिएट कर रहा है, एक्सेलरेट करना है उसको, तो हैंड को आपका सिग्नल दिया कि भाई एक्सेलरेट कर, एक्सेलरेट हुआ, आपकी स्पीड 60 तक हो गई। फिर कौन देख रहा है उसको, आपका दिमाग देख रहा है, आपकी आंखें देख रही है, दिमाग उस पर एक्शन ले रहा है। तो ये एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम हो गया ना। यदि आप 70 जाओगे तो खुद को कम कर लोगे, यदि आप 40 जाओगे तो खुद को एक्सेलरेट कर लोगे। ये पूरा एंटायर सिस्टम इंटेलिजेंट सिस्टम हो गया और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का बेस्ट एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, सो फॉर्मूला क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का आपके सामने है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन आपके सामने है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन आपके सामने है। ठीक है, ओके, नाउ आप सिस्टम को जब देखेंगे, सो सिस्टम को आप एस डोमेन में बात कर, राइट, यू नो वेरी वेल टाइम डोमेन सिग्नल को एस डोमेन में ले जाने के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको करना है, आप सब जानते हैं उसके बारे में। ठीक है, सो एक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं अपन कि जब भी ट्रांसफर फंक्शन की बात होती है तो वो किस टाइप से रिप्रेजेंट होता है। आप सभी को पता है कि ट्रांसफर फंक्शन जो है वो ऑलवेज इन एस डोमेन, ऑलवेज इन एस डोमेन, नॉट इन टी डोमेन। ठीक है, सो इसको हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, सो न्यूमरेटर भी एस डोमेन का ही होगा और डिनोमिनेटर भी एस डोमेन का होगा। सो न्यूमरेटर के यदि आप रूट्स निकालते हैं, किसी भी इक्वेशन के रूट निकालना हो तो उसको जीरो के साथ इक्वेट करके उसके रूट्स निकाले जाते हैं। सो जो इसके रूट्स आएंगे जो न्यूमरेटर के रूट्स आते हैं उन्हें हम बोलते हैं जीरोस। क्या बोलते हैं बच्चा? जीरो। आप यदि डिनोमिनेटर के रूट्स निकालेंगे, सो डिनोमिनेटर के जो रूट्स होते हैं वो हम बोलते हैं उन्हें पोल्स बोलते हैं, इन्हें जीरोस बोलते हैं। ठीक है, सो जीरोस एंड पोल्स। सो डिनोमिनेटर के जो रूट्स हैं वो पोल्स होते हैं। सो एस डोमेन में यदि किसी सिस्टम को डिफाइन करना होता है, आपको चीज़ों को समझते जाना है और लिखते जाना है, एस डोमेन में यदि आप सिस्टम को डिफाइन कर रहे हो तो पोल्स से हमेशा सिस्टम डिफाइन होता है। यानी कि सिस्टम की स्टेबिलिटी के बारे में यदि आपको कंक्लूड करना है, तो उसकी जानकारी आपको पोल्स से मिलने वाली है। सो कौन डिसाइडिंग फैक्टर होता है? पोल्स। यदि आपके हाथ में पोल्स यदि हैं तो आप सिस्टम की स्टेबिलिटी को कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए बच्चा, आप एक पोल जीरो कॉन्फ़िगरेशन में आपके सामने ले रहा हूँ, ठीक है, एक पोल जीरो कॉन्फ़िगरेशन ले लेता हूँ मैं, और कॉन्फ़िगरेशन है S+1, S+3 and S+2। ठीक है, इसको यदि आप एस डोमेन में इसको प्लॉट करेंगे, सो आपका ये जीरो है जो कि -1 पे है। सो जीरो को डिनोट करते हैं ऐसे सर्कल पॉइंट से, और वो कहाँ पे है? -1 पे है। कैसे पता लगा? S+1=0, S=-1 पे आपका जीरो है। सिमिलरली आपका पोल है -2 पे एंड -3 पे, ये आपके पोल हो गए। ठीक है, सो जब भी आप स्टेबिलिटी कंक्लूड कैसे कर सकते हैं, जब भी आपके पोल्स LHS में हो, LHS ऑफ S प्लेन हो, यानी कि ये देखिए S प्लेन बना हुआ है, रियल पार्ट है ये उसका, ये इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, सो इसके लेफ्ट हैंड साइड में
लेफ्ट हैंड साइड में जब भी हो LHS ऑफ एस प्लेन, सो आपका जो सिस्टम होता है वो ऑलवेज स्टेबल होता है. आपका जो सिस्टम होता है, प्लीज नोट डाउन, स्टेबल सिस्टम, ठीक है, ऑलवेज स्टेबल होता है. यदि आपके पोल्स सारे के सारे नेगेटिव रियल हो सो वो आपका स्टेबल सिस्टम की गारंटी है, या LHS में हो तो स्टेबल सिस्टम की गारंटी है. सो ये जो सिस्टम है आपका स्टेबल सिस्टम है. बट सपोज आपके जो पोल्स है, एक भी पोल यदि RHS में आ जाए, आपका एक भी पोल यदि RHS में आ जाए तो सिस्टम जो हो जाएगा वो अनस्टेबल हो जाएगा. जो सिस्टम हो जाएगा बच्चा वो अनस्टेबल हो जाएगा आपका सिस्टम, ठीक है. एक भी पोल आ जाए तो, एक भी मतलब एक भी, जरूरी नहीं कि सारे, ठीक है. सो इसका बेस्ट एग्जांपल मैं देना चाहूँगा, एस प्लस वन, एस माइनस वन, एस प्लस टू. सो एक पोल इसमें LHS में है पर दूसरा RHS में है ना. सो एक भी पोल यदि RHS में हो जाए तो सिस्टम अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है. देखिए जीरो को लेके देर इज अ नो कंक्लूजन. जीरो लेफ्ट में है या राइट में है उसको लेके स्टेबिलिटी पे कोई कंक्लूजन नहीं कर रहा मैं. सिर्फ और सिर्फ पोल आपका डिसाइडिंग फैक्टर है कि सिस्टम आपका स्टेबल है या अनस्टेबल है, ठीक है. अब आपके पोल्स यदि इमेजिनरी एक्सिस पे हो, आपके जो पोल्स है वो इमेजिनरी एक्सिस पे हो, सपोज थर्ड कंडीशन. सो इस केस में आपका जो सिस्टम होता है वो मार्जिनली स्टेबल होता है. वो क्या होता है? मार्जिनली स्टेबल का सिस्टम जो होता है मार्जिनली स्टेबल सिस्टम होता है. तो कंडीशन वन जो हो गई आपकी, कंडीशन वन जो हो गई वो स्टेबिलिटी की हो गई. दिस इज कंडीशन टू फॉर अनस्टेबिलिटी, दिस इज कंडीशन थ्री फॉर मार्जिनल स्टेबिलिटी. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू, ठीक है. ओके बच्चा लोग, नाउ आपने स्टेबिलिटी डिफाइन कर दी, स्टेबिलिटी डिफाइन कर दी. सो आपने यहां पर एक बात देखी और वो ये कि आप जो ट्रांसफर फंक्शन ले रहे हो उसको एस डोमेन में ले रहे हो, ठीक है. सो चलिए एस डोमेन में आप जब सिस्टम को ले रहे हो, आपने यहाँ से अभी अभी जो सीखा उससे ये सीखा कि जब भी स्टेबिलिटी की बात आएगी उसको कंक्लूड करने के लिए आपको पोल्स की सहायता लेनी पड़ेगी. यदि पोल्स के बारे में आपको जानकारी है तो आप सिस्टम के स्टेबिलिटी के बारे में बता जा सकते हो. यदि पोल LHS में है सिस्टम स्टेबल है, एक भी पोल RHS में है सिस्टम अनस्टेबल है, और इमेजिनरी एक्सिस पे यदि आपके पोल्स हैं तो सिस्टम मार्जिनली स्टेबल है, प्रोवाइडेड नॉट रिपीटेड पोल्स. लेटर विल डिस्कस अबाउट व्हाट रिपीटेशन एंड ऑल अबाउट, ठीक है. सो आप ट्रांसफर फंक्शन को देख लिए कि ट्रांसफर फंक्शन विल बी ऑलवेज इन एस डोमेन. मैं एस डोमेन में ट्रांसफर फंक्शन आपका लिया और यहाँ पे इसका एक एस प्लस थ्री, एस प्लस फाइव, एक ट्रांसफर फंक्शन जो आपका लिया उसका एक रेंडम मैंने ट्रांसफर फंक्शन एस डोमेन में ले लिया, ठीक है. अब यदि आपको कोई पूछे कि डीसी गेन ऑफ CLTF निकालिए, डीसी गेन ऑफ CLTF निकालिए, ठीक है. आपको कोई बोल दे डीसी गेन ऑफ CLTF निकालिए, तो डीसी गेन क्या होता है? डीसी की फ्रिक्वेंसी कितनी होती है बच्चा? जीरो. सो ओमेगा इक्वल टू जीरो. एस क्या होता है? एस होता है आपका जे ओमेगा. ओमेगा यदि जीरो है तो ये एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? एस की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, ठीक है. सो डीसी गेन का मतलब आपको इसकी क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन उसने बोल दिया है डीसी गेन ऑफ द CLTF. सो आपको जहां जहां एस है वहां पुट करना है जीरो. बात समझ में आ गई? डीसी गेन मतलब एस इक्वल टू जीरो पे इसकी जो वैल्यू है, एस इक्वल टू जैसे ही जीरो पुट करते हैं इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 1/15. दिस इज नथिंग बट द डीसी गेन. ये डीसी वैल्यू ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन. लेकिन यदि वो लिखा रहता कि डीसी गेन ऑफ OLTF, यदि वो लिख देता कि डीसी गेन ऑफ OLTF, डीसी गेन ऑफ OLTF, सो सबसे पहले आप निकालते इसका OLTF, उसके बाद आप एस इक्वल टू जीरो पुट करते एंड देन जो भी आता वो आपका आंसर रहता, ठीक है. सो बच्चा लोग जब आपने देखा था डीसी गेन, ये एक टॉपिक है जो आपको अब क्लियर होना चाहिए. नाउ सी वन मोर थिंग. सपोज डीसी गेन में जो आपने देखा वो ये कि एस इक्वल टू जीरो आपको पुट करना है, ठीक है. इसको मैं क्लियर कर देता हूं, ठीक है. सो आपको ट्रांसफर फंक्शन की बात कर रहा हूं मैं और क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की बात कर रहा हूं. सो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन जो है दैट इज GS1+GSHS, ठीक है. अब आपका जो फीडबैक है, सी ये मैंने लिखा
जी ऑफ एस आउटपुट है, ये है आपका एडर, दिस इज नथिंग बट इनपुट। आपने जो सिस्टम फीडबैक दिया था वो लिया था एच ओ पेस, इसको आप दे रहे हो सिस्टम में, इसका जो ट्रांसफर फंक्शन लिया था आपने वो ये लिखा था, ठीक है। अब यहाँ पे एच ओ पेस इक्वल टू वन हो, सपोज एच ओ पेस इक्वल टू यहाँ पे वन हो, सो इट विल बी वन लाइक दिस, ठीक है। सो इसे कहते हैं हम यूनिटी फीडबैक, इसको क्या बोलते हैं बच्चा, यूनिटी फीडबैक। इसके बारे में आपको जानकारी होंगी, बेसिक जानकारी आपको होंगी इसके बारे में, यूनिटी फीडबैक, ठीक है। अब ये जो फीडबैक है नेगेटिव पॉजिटिव, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो देखिए, यदि नेगेटिव फीडबैक है तो यहाँ प्लस आने वाला है, और यदि पॉजिटिव फीडबैक है तो यहाँ माइनस आने वाला है, ध्यान रखिए इस चीज़ को। यदि आपका नेगेटिव फीडबैक है तो जो आपका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन होगा वो जी ओ पेस अपॉन वन प्लस एच एस जी एस होगा। यदि आपका पॉजिटिव फीडबैक है तो यहाँ वन माइनस HSGS होने वाला है, ठीक है। अब ये यूनिटी फीडबैक था, यूनिटी फीडबैक के लिए HOPS इक्वल टू 1 होता है, सो आपका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 plus G, दिस इज नथिंग बट क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। अब ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, यदि कोई पूछे व्हाट इज द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, सो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है HSGS। यूनिटी फीडबैक सिस्टम के लिए HS की वैल्यू 1 है, सो ये हो जाएगा जी ऑफ एस ओनली, जी ऑफ एस जो उसका फॉरवर्ड गेन है वही उसका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा फॉर द यूनिटी फीडबैक सिस्टम। इतना पॉइंट क्लियर है आपको, चलिए मान लिया क्लियर है। सो जी ऑफ एस इज नथिंग बट ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। नाउ इस इक्वेशन को देखिए, CLTF को मैं क्या लिख सकता हूँ, जी ऑफ एस किसके बराबर है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के, सो OLTF डिवाइड बाय 1 प्लस OLTF। ये तो एक अच्छा सा रिलेशन मेरे पास आ गया कि फॉर द यूनिटी फीडबैक सिस्टम प्रोवाइडेड HOPS इक्वल टू 1, फॉर द यूनिटी फीडबैक सिस्टम क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम इज नथिंग बट OLTF डिवाइड बाय 1 प्लस OLTF। नाउ आपको दिया गया है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, एग्जामिनेशन में जो पूछता है, एग्जामिनेशन में अपन डीसी गेन की बात कर रहे थे, एग्जामिनेशन में आपसे पूछेगा कि क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम दे देगा और पूछेगा व्हाट इज द डीसी गेन ऑफ OLTF। सो वहां पे यदि आप स्पीड से उस चीज को लिए तो गलत कर जाओगे, क्यों, क्योंकि सी ओवर हियर व्हाट आई एम डूइंग, यहां इसे ध्यान से समझना, आपके पास एक CLTF है, लेट्स टेक इट 25s² प्लस 5s प्लस 25, ठीक है। ये आपके पास में एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है, उसने पूछा डीसी गेन, एग्जाम ने पूछा डीसी गेन ऑफ OLTF, डीसी गेन ऑफ OLTF। अब आप क्या किए, एस की वैल्यू जीरो पुट कर दिए इस इक्वेशन में, जैसे ही एस की वैल्यू जीरो पुट किए आपका जो डीसी गेन आ गया वो आ गया 1, और मजे की बात यह है कि जो 1 है वो ऑप्शन में रहेगा, आप टिक मार के आ गए घर पे खुश कि आपका एक नंबर का क्वेश्चन सही नहीं गलत। उसने पूछा डीसी गेन ऑफ द OLTF, सो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, उसने मेंशन भी कर दिया दिस इज द क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम फॉर यूनिटी फीडबैक सिस्टम, मतलब HS इक्वल टू 1 के लिए ये है। अब उसने बोला बच्चा आपको कि डीसी गेन ऑफ OLTF निकालो, डीसी गेन ऑफ OLTF निकालो, सो डीसी गेन ऑफ OLTF मतलब आपको ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन चाहिए, आपको दिया है क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो देखिए, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन को निकालना है और क्लोज लूप दिया है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, जी ऑफ एस 1 प्लस जी ऑफ एस माइनस जी ऑफ एस यदि कर दूँ, ये जो क्वांटिटी है इसको यहाँ ले जाके सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ GS बचेगा या नहीं बचेगा, और GS आपका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है या नहीं है, ध्यान से समझें इस चीज़ को। आपके पास एग्जामिनेशन में सिर्फ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है, अब क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन में आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर जो लिखा है उसमें से सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, तो ये इससे कट जाएगा, आपके पास बचेगा GS डिवाइड बाई 1, दैट इज नथिंग बट GS ओनली, और ये हो जाएगा OLTF और नॉट। सो जब भी यूनिटी फीडबैक सिस्टम के लिए आपको क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम दिया हो, आप डायरेक्टली ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हैं, और वो कैसे, इस फॉर्मूले से, जो भी न्यूमरेटर होगा उसको डिनोमिनेटर से सब्ट्रैक्ट करके ऐसे लिख देना है आपको, ठीक है, उसके बाद आपको डीसी गेन कैलकुलेट करना है, ठीक है बच्चा। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे आप लिखेंगे, और डीसी गेन उसका OLTF का लेके आएंगे, ठीक है। आपका क्वेश्चन है, आपको डीसी गेन निकालना है, डीसी गेन ऑफ CLTF एंड
OLTF both, आपके पास जो ट्रांसफर फंक्शन दिया है दैट इज द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया है, फॉर द यूनिटी फीडबैक सिस्टम दिया हुआ है, और वो दिया हुआ है आपको जो दिया हुआ है दैट इज 5a² + 2s + 25, ये दिया हुआ है, ठीक है। आपको निकालना है डीसी गेन फॉर क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम एंड ओपन लूप। एग्जाम में आता है, बी केयरफुल, आपको केयर करना पड़ेगा कि उसने क्या पूछा है, क्लोज लूप का पूछा है या ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिए पूछा है, ठीक है। यदि क्लोज लूप के लिए पूछा रहता तो इसका जो डीसी गेन है इस इक्वल टू जीरो पे आप डायरेक्ट निकाल देते, दिस इज नथिंग बट द डीसी गेन, और वो होता 5/2s लिखा हुआ है 25, सो दिस इज नथिंग बट 0.2, 1/5, दिस इज 0.2। यदि वो आप ओपन लूप का पूछे, OLTF का पूछे डीसी गेन, तो अगेन एस इक्वल टू तो जीरो ही पुट करोगे आप, बट OLTF पहले निकालोगे। OLTF निकालने के लिए 5a² + 2s + 25 - 5, न्यूमरेटर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा आपके डिनोमिनेटर से, सो आपके पास जो बचेगा 5a² + 2s + 20। आप डीसी गेन निकालना चाह रहे हो, एस इक्वल टू जीरो इसमें डालोगे, सो आपके पास आएगा 5/20, सो 1/4, दिस इज योर डीसी गेन। सो केयरफुल रहें, एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो केयर ये करना है कि OLTF पूछा है या CLTF पूछा है, ठीक है। उसके बाद आपको इसको कंक्लूड करना है, सो आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट हेडिंग आप डालें, और हेडिंग से पहले एक बात और, यदि कोई सा भी सिस्टम दिया है क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन आपकी एग्जामिनेशन में, तो वो मेंशन करे या ना करे, वो बाय डिफॉल्ट यूनिटी फीडबैक दिया हुआ है, यानी कि क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम दिया है जिसमें फीडबैक जो है वो यूनिटी फीडबैक रहा है, ठीक है। जब तक वो लिख नहीं दें नॉन यूनिटी फीडबैक, तब तक आप कंसिडर नहीं करेंगे सिस्टम को नॉन यूनिटी। क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया है मतलब जो फीडबैक रहा होगा वो यूनिटी फीडबैक रहा होगा, ये बाय डिफॉल्ट कंडीशन है आपके लिए, ठीक है। अब आप इसमें लिखें नेक्स्ट हेडिंग, डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट।